खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। तो बात भारत की बात की बात उस बात की जाए जिसकी शुरुआत गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह ने की, जिसकी शुरुआत 30 मई को अमित शाह की शपथ के साथ हुई। गृह मंत्री बने अमित शाह ने 7 महीने के अंदर न सिर्फ गृह मंत्रालय की शक्ति को एहसास कराया, बल्कि वो सब कुछ करके दिखा दिया जो सिर्फ कल्पनाओं में था। अनुच्छेद 370 के बाद नागरिकता बिल भी झांकी है और अभी ना जाने क्या क्या बाकी है। ऐसे थोड़ी ना बना है हिंदुस्तान का अमित अध्याय। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जम्मू और कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। निर्णय हावालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। हमारा स्टैंड क्लियर है, वही जगह पर राम जन्मभूमि न्यास के डिजाइन वाला मंदिर बनेगा। घुसपैठिया छोड़िए, विदेशी परिंदा भी पैर नहीं मारने देंगे। हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाए हैं, एक एक हिंदू बांग्लादेशी को हम नागरिकता देने का काम करने वाले। जब देश का आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो यह दिल की जरूरत न करती। तो यही वो सियासत के सियासी रंग है जिसे बतौर गृह मंत्री अमित शाह ने बेहद कम वक्त में हिंदुस्तान के मानचित्र पर उकेर कर रख दिया। और यही तो है हिंदुस्तान का अमित अध्याय, क्योंकि 370 का जाना है अमित अध्याय, नागरिकता बिल का आना है अमित अध्याय, 3 तलाक का जाना है अमित अध्याय, एनआरसी का पूरा ताना बाना है अमित अध्याय। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी बींचिए। और 72 बरस से आजादी के बसंती चोले में रंगे हिंदुस्तान के इतिहास के बरसों पुरानी अनसुलझे पन्नों को अपनी प्रखरता से सुलझा कर जब अमित अध्याय बना ही दिया गया तो गृह मंत्री के लिए कहा जाने लगा, हाँ ये अमित शाह है, हिंद की भुजाओं की तपती शमशीर, सियासत के माथे की अव्वल लकीर, देश को जोड़कर रखने वाली अटूट जंजीर। हाँ ये अमित शाह है, हिंदुस्तान का उगता सूरज, हिंदुस्तान का खिलता नीरज, हिंदुस्तान का चट्टानी धीरज। हाँ ये अमित शाह है, हाँ ये अमित शाह है, और अब इन्हें लोग राजनीति का शहंशाह कहने लगे। निश्चित रूप से इतिहास तय करेगा कि 70 साल तक एक लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया था, इसको न्याय नरेंद्र मोदी जी ने देकर इतिहास इसको सुवर्ण अक्षर से अंकित। लाखों करोड़ों लोग नर्क की यातना में जी रहे थे, उनको न्याय किसी ने नहीं दिया, क्योंकि वोट बैंक की लालच के अंदर आंखें अंधी हुई थी, कान बहरे हुए थे, उनकी चीखें नहीं सुनाई पड़ती थी। मान्यवर, नरेंद्र मोदी जी ने वोट बैंक की राजनीति के लिए कभी कुछ नहीं किया, केवल और केवल ये पीड़ितों को न्याय करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ये बिल लेकर आए। नागरिकता बिल का श्रेय गृह मंत्री भले ही प्रधानमंत्री को दे गए, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जब मुस्तकबिल में माजी को पलट कर देखा जाएगा तो कहा यही जाएगा कि शरणार्थियों को शरण देने वाला बिल तो बतौर गृह मंत्री अमित शाह लेकर आए थे और वो भी अमित अध्याय बन चुका है। तो अब उन तमाम अध्यायों के एक एक पन्ने को पलट कर देखने का अच्छा मौका भी है और दस्तूर भी
तो क्यों ना अमित शाह की हिंदुस्तान के लिए विजन को समझा जाए, इनके विजन को परखा जाए। तो इसे परखने के लिए अमित शाह को सुनना भी तो जरूरी है। भारत को विश्व में उसका उच्च स्थान दिला पाएगी क्या? देश को एक लंबे समय के लिए निश्चित दिशा में ले जाने की नींव डाल, मजबूत नींव डाल पाएगी क्या? ये शंका आशंकाओं के बीच में 2014 का स्थिति था, और उसी वक्त 2014 के चुनाव आया। उसके पहले 30 साल तक पॉपुलिस्ट नीति, तुष्टिकरण, इसके कारण देश की समस्याओं के निवारण के लिए कोई लंबे समय की योजनाएं नहीं बनी, कोई दृष्टि के साथ कठोर कदम नहीं उठाए गए, देश में परिवर्तन लाने वाले फैसले नहीं लिए गए, देश की समस्या का निवारण करने के लिए कोई सुदीर्घ नीति बनाने का बिल्कुल अभाव दिखाई पड़ा। तो जिन समस्याओं के निवारण की नीति के अभाव की बात अमित शाह ने कही थी, उन नीतियों के निवारण को ही अमित शाह ने अपने स्वभाव में तब्दील कर लिया, देश में परिवर्तन को प्रसिद्धि की पराकाष्ठा तक पहुंचाया और एक के बाद एक परिवर्तनकारी या कहें क्रांतिकारी फैसले लेते चले गए। 3 तलाक पर बिल लाया गया, अनुच्छेद 370 को हटाया गया, नागरिकता बिल से शरणार्थियों की चिंता को मिटाया गया, और ये वो फैसले थे जिन्हें 70 सालों में कोई भी सरकार लेने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। लेकिन गृह मंत्रालय के इस सरदार ने संकल्प से सिद्धि को प्राप्त करने की बात को अपने ओजस्वी प्रताप से पा लिया। और ऐसे में याद कीजिए 2019 का चुनाव जीतने के बाद अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी से क्या वादा किया था। आज मैं आप सबकी ओर से प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, आपने जो नए भारत की कल्पना की है, सशक्त, समृद्ध, शिक्षित, संस्कृत भारत की जो कल्पना की है, आप आइए देश का नेतृत्व करिए और नए भारत की नींव जो रखी है इस पर एक मजबूत इमारत बनाइए। आजादी के 75 साल जब समाप्त हो, तब मोदी जी ने हम सब कार्यकर्ताओं के लिए और देश की जनता के लिए 75 संकल्प दिए हैं। हम सब का यह दायित्व है और देश की जनता भी हमें इसमें आशीर्वाद दे कि 75 के 75 संकल्प 2022 में समाप्त कर विश्व के अंदर भारत को एक महाशक्ति बनाने का स्वप्न हम मोदी जी के नेतृत्व में पूरा करें। तो जिन 75 संकल्पों को पूरा करने का लक्ष्य अमित शाह ने लिया था, उनको पूरा करने की कसम भी अमित शाह ने मंत्री पद की शपथ के साथ ही ले ली थी। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। और शपथ के साथ तमाम लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अमित शाह मानो ये कहकर निकले हूँ कि मैं सोच बदलता हूँ, नजरिया भी बदलता हूँ, लेकिन मैं लक्ष्य नहीं बदलता, उसे पाने का पक्ष नहीं बदलता। और बिना पक्ष बदले नागरिकता बिल को भी हिंदुस्तान के नागरिक शास्त्र में तब्दील कर अमित शाह ने दिखा दिया कि उनके जैसा कोई नहीं। और शायद कोई सरकार पहले इसका समाधान निकल लेती तो भी मुझे आज ये बिल लेकर नहीं आना पड़ता, मगर मान्यवर सरकारें ऐसे चली है कि समस्याओं के साथ दो दो हाथ करने की जगह सरकार चलाते रहो, इस प्रकार से सरकार चली है। मैं आज देश की जनता के सामने आपके और इस सदन के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ सरकार चलाने के लिए नहीं आई है, देश को सुधारने के लिए, देश की समस्याओं का समाधान। और नागरिकता की समस्या के समाधान की बात तो अमित शाह ने बतौर बीजेपी अध्यक्ष कह दी थी, बाकायदा चुनावी सभा में इसके लिए मुनादी भी कर दी थी। कांग्रेस पार्टी घुसपैठ को रोक सकती है क्या? जरा जोर से बोलो, रोक सकती है क्या? रोक सकती है क्या? 70 साल से इनको शासन दिया है ये राहुल बाबा की 4 पीढ़ी ने शासन किया, आसाम के अंदर घुसपैठ रुकी नहीं। मोदी जी आए, मोदी जी एनआरसी लेकर आए और घुसपैठ को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्र, भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है, एक बार आप नरेंद्र मोदी जी की सरकार फिर से बनाइए, आदमी तो क्या
परिंदा भी सीमा के उस पर घुस नहीं सकता, ऐसा आसाम हम बनाने की दिशा में आ गए। एक हाथ से एनआरसी बिल के जरिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने का रास्ता तैयार किया गया तो दूसरे हाथ से शरणार्थियों को शरण देने का खाका भी खींचा जाने लगा था। तृणमूल कांग्रेस भ्रांति फैला रही है कि एनआरसी के तहत शरणार्थी भी चले जाएंगे। मैं आज इस मंच से पश्चिम बंगाल में जितने शरणार्थी है सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 लेकर आई है, जिसके तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के आए हुए क्रिश्चियन, बौद्ध और हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। कोई शरणार्थी को वापस भेजने का कोई कार्यक्रम नहीं। ममता दी, भ्रांति फैलाना बंद करो। कहां जाएंगे मेरे शरणार्थी भाई? शरणार्थी भाइयों को यहां रखना ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार ने अपनी जिम्मेदारी क्या खूब निभाई, जो कहा था वो किया और तमाम विरोधों प्रतिरोधों के बावजूद जब बिल संसद में लेकर आया गया तो मानो अमित शाह विपक्षियों से ये कहकर आए थे, आप अपनी जलन बरकरार रखो, मैं अपना जलवा बरकरार रखूंगा। पाकिस्तान से क्या आप चाहते हो कि पाकिस्तान से भी जो मुसलमान यहाँ है इसको भी हम नागरिक बना दे? बांग्लादेश से जो मुसलमान आए इसको भी नागरिक बना दे? अफगानिस्तान से भी जो मुसलमान आए वो नागरिक बना दे? तो क्या कहना चाहते हो? पूरी दुनिया में से जो भी मुसलमान आएगा इसको हम यहाँ नागरिकता दे देंगे? किस तरह से देंगे? देश कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चल सकता। ये निश्चित वर्ग के लिए है जिनके धर्म के अनुसरण के लिए वो तीन राज्यों में अनुकूलता नहीं है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, वो तीन देशों के अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता देने का प्रावधान है। यानी मतलब बहुत साफ था कि विपक्ष की ओर से किया गया तुष्टीकरण का कोई वार काम नहीं आया और उत्तेजना हो या संवेदना, हर विधा में महारत हासिल किए अमित शाह ने हर किसी को शांत करा दिया और बता दिया कि गृह मंत्रालय का नया सरदार बहुत असरदार है। और ऐसा ही असर अमित शाह ने हर मौके पर दिखाया। 370 तो उसकी वानगी मात्र थी। राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, लालू जी भी अस्पताल में सुन ले। अभी तो मोदी जी प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री बनने वाले हैं फिर से। अगर कभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर भी नहीं है, भाजपा के एक भी कार्यकर्ता के तन में प्राण है, आप कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग नहीं करेंगे। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा, कश्मीर भारत माता का मुकुट मणि। ये बात अमित शाह ने 2019 के चुनाव से पहले कही थी। कहा था कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग था, है और अनंत काल तक रहेगा। बस वहाँ 370 का एक आसमान था जो थोड़ा दूर सा लगता था, तो उस आसमान में भी सुराग करने के लिए बड़ी ही तबीयत से पत्थर उछाल दिया गया। तारीख थी 5 अगस्त 2019। हमें ना वोट बैंक बनानी है, ना हमारे पास राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। नरेंद्र मोदी जी जन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, इसलिए आज कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पारित किया। और 370 के बाद अब नागरिकता बिल को भी संसद के दोनों सदनों से पास करा अमित शाह ने अपने नाम तक को चरितार्थ कर दिया है, क्योंकि अमित का अर्थ होता है असीमित, अथाह। और बुलंद हौसले से लिए गए कठिन फैसलों ने अमित शाह के व्यक्तित्व को असीमित बना दिया है, उनके हौसले को अथाह बना दिया है। प्रचंड आवाज से बोलिए भारत।